48वीं कहानी यीशु गे वायदा कीता होया मसीहा है। जिसले परमेश्वर ने संसार की बनाया ते सारा किस छैल हा, कोई पाप नहीं हा। आदम ते हवा एक दुए कन्ने प्यार करदे हे ते ओ परमेश्वर कन्ने प्यार करदे हे। कोई बीमारी जा मौत नहीं ही, परमेश्वर इयां गे संसार की चांदा हा। शैतान ने सप दे थमां बगीचे च हवा कन्ने गल कीती कि ओ उसी धोखा देना चांदा हा। उस वेले हवा ते आदम ने परमेश्वर दे खिलाफ पाप कीता हा, कीके उन्हें पाप कीता हा। इस करी धरती पर रोने वाले सारे जन मरदे ने, कीके आदम ते हवा ने पाप कीता हा। इस करी किश और भी बुरा होया, ओ परमेश्वर दे दुश्मन बनी गए, जिदा नतीजा उस वेले कोला हर एक जन ने पाप कीता है। हर एक जन जन्म कोला गे परमेश्वर दा दुश्मन है। परमेश्वर दे लोकें दे विच शांति नहीं ही, लेकिन परमेश्वर शांति बनाना चाहता हा। परमेश्वर ने वायदा किया कि हवा दा एक वंश शैतान दे सिर गी कुचलग। उसने ये भी आख्या कि शैतान उदी खुरियें गी पुड़ग। दूगे शब्द च शैतान मसीह गी मारी सुटग, लेकिन परमेश्वर उसी भी दोबारा जिंदा करी देग। इहदे बाद मसीही शैतान दी शक्ति गी मिसांस ते खत्म करी देग। कई सालें दे बाद परमेश्वर ने प्रकट किया कि वह मसीह यीशु है। परमेश्वर ने उस हाड़ कोला अपने परिवार की बचाया जिसी वह आने अले है। नूह गी एक किश्ती बनाने आस्ते आख्या कि वह इस तरीके कन्ने परमेश्वर ने उन्हें लोकें गी बचाया जेके उदे पर विश्वास करते है। इस तरह कन्ने वह सारे दे सारे परमेश्वर दे थमां मारने दे लायक है, कीके उन्हें पाप कीता हा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सारे गी बचाने आस्ते यीशु गी भेजिया जेके उदे उपर विश्वास करदे ने। कई सालें तक जाजक परमेश्वर आस्ते बलिदान चढ़ाते रहे। ये दर्शांदा है कि लोकें पाप कीता ते ए कि परमेश्वर दे थमां ओ सजा पाने दे लायक ने, लेकिन ओ बलिदान उन्दे पापें गी माफ नहीं करी सकदे। यीशु सारे कोला बड़ा महाजाजक है। उसने ओ कीता जेका जाजक नहीं करी सकदे हे। उसने एक मात्र बलिदान होने आस्ते अपने आप गी देई दिता जेका हर कुसे दे पापें गी मिटाई सकदा हा। उसने स्वीकार कीता कि परमेश्वर उन्दे सारे दे पापें आस्ते उसी सजा देन। इस वजह कन्ने यीशु सिद्ध महाजाजक हा। परमेश्वर ने अब्राहम गी आख्या, मैं तेरे थमां संसार दे सारे कुलें गी शीश देंग। यीशु इससे अब्राहम दे वंश दा हा। परमेश्वर अब्राहम दे थमां सारे कुलें गी शीश दिंदा है, कीके जेके यीशु दे उपर विश्वास करदे परमेश्वर उन्हें सारे गी पापें कोला बचांदा है। जिसले ए लोग यीशु दे उपर विश्वास करदे ते परमेश्वर उन्हें गी अब्राहम दा वंश मनदा है। परमेश्वर ने अब्राहम गी आख्या कि वह अपना पुत्र उदे आस्ते बलिदान करी दे, लेकिन भी परमेश्वर ने इसहाक दे बदले बलि करने आस्ते एक भिड्डू दिता। सारे अपने पापें आस्ते मारी सुटने दे लायक है, लेकिन परमेश्वर ने साड़ी जगह पर मरने आस्ते यीशु की बलिदान दे रूप च दे दिता। इस वजह कन्ने अस यीशु की परमेश्वर दा मेमना आखने आं। जिसले परमेश्वर ने मिस्र उपर आखरी विपत्ति भेजी ते उसने हर एक इजराइली परिवार की आख्या कि वह एक भिड्डू की बलि करन। उस भिड्डू च कोई दोष नहीं होना चाहिदा। उस वेले अपने दरवाजे दे उपर ते बखिए च उन्हें उदे खून की लाना हा। जिसले परमेश्वर ने उस खून की दिखाया ते ओ उन्दे घरे कोला अग्गे चलिए ते उन्दे जेठे पुत्रें गी नहीं मारिया। जिसले ए होया ते परमेश्वर ने इसी फसा दा त्यार आख्या। यीशु फसा दे त्यार दे एक मेमने आले लेखे है। उसने कदे पाप नहीं किया, इस करी उदे विच किश भी गलत नहीं हा। वह फसा दे त्यार दे समा पर मरिया। जिसले कोई यीशु पर विश्वास करता है उस वेले यीशु दा खून उस माणुए दे पापें दी कीमत चुकांदा है। ए इयां है जियां कि परमेश्वर उस माणुए दे कोलां अगे बदी जा, कीके ओ उसी सजा नहीं दिंदा है। परमेश्वर ने इजराइली लोकें कन्ने एक नवीं वाचा बन्नी, कीके ओ इस तरह दे लोक है जिन्हें गी परमेश्वर ने अपना होने आस्ते चुनिया हा। लेकिन हुण परमेश्वर ने इस तरह दी वाचा बन्नी है जेकी के सारे आस्ते है। अगर कुसे भी जाति दा कोई भी जन इस नवीं बाचाई स्वीकार करता है तो वह परमेश्वर दे लोकें कन्ने शामिल हो जाता है।
ਉਹ ਐਸਾ ਇਸ ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਨਿਆ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਬੜੀ ਸਮਰਥ ਕਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਕੋਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰੀ ਜੇ ਕਿਸ਼ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸਾਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਗ। ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸਾਸ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੀ ਦੁਆਰੇ ਓਗ ਤੇ ਮਹਿਸਾਸ ਤੇ ਨਿਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਗ।